मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही स्पेशल पनीर। इसका नाम है पनीर लबाबदार। मेरे घर में हर किसी को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं पनीर लबाबदार मैं कैसे बनाती हूं। इसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम पनीर, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। 3 प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 100 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ, 3 टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए, काजू, मगज के दाने, अदरक के टुकड़े, सूखा लाल मिर्च, जीरा, लहसुन की कलियां, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, चीनी, फ्रेश क्रीम। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया, उसमें जीरा डाल दिया, लहसुन की कलियां, अदरक, सूखा लाल मिर्च, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इन सबको डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें इस तरीके से भूनना है ताकि बहुत जले नहीं। और इसी स्टेज पे टमाटर ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। ढककर उठाकर अब हम इसमें काजू ऐड कर लेंगे और मगज के दाने ऐड कर देंगे ताकि काजू और मगज के दाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे ढक लेते हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है मसाला। अब हम इसे ठंडा करके पीसेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है मसाले का। अब मैंने कढ़ाई में बटर ले लिया और उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो मसाले जलने के चांसेस होते हैं। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। वैसे मसाला भुना हुआ है, पका हुआ है, पर फिर भी हम इसमें नमक डालकर अच्छे से भुनेंगे। कस्तूरी मेथी, चीनी ऐड कर लेंगे इस स्टेज पे। कद्दूकस किया हुआ पनीर भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म पनीर लबाबदार बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और इसके टेस्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू।